अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मियाँ शिराज असलम और आप देख रहे हैं एमवाईके न्यूज़। मेरे साथ एक कप्तान के खिलाड़ी मौजूद है जो कि बड़े जज्बाती हो गए और रो रो कर कह रहे थे जी ये मेरा मुल्क है, ये इनसे बात करो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अरे की मामला है, क्यों रो रहे हो जी? बेटा ये मैं ना एक जनूबी पंजाब का जिला पाक पतन वहाँ से आया हूँ। मुझे समझ ही नहीं थी, आज तक हमें सियासत में पढ़े नहीं और हमें समझ नहीं थी। अब मुझे समझ आई इमरान खान के कप्तान के समझाने पे कि ये हमारा मुल्क है, इसकी फुमल वाली टोपियाँ हमारी हैं, इसकी शाले हमारी हैं, इसकी अजरक टोपी हमारी है, ये मुल्क हमारा है। इन लोगों ने हमें यरगमाल बनाया हुआ था, हमें समझ नहीं थी। हमें पहले मैं आपको बेटा बता सकता हूँ, मैं मेरी यकीन करो 50 साल उम्र होगी, 52 साल, हमें समझ नहीं थी। हमें अब समझ आई। ये हम कहते थे गिलगित बल्कस्तान, ये ऊपर पहाड़ी इलाका, ये गैर इलाका, ये फलाना, ये तो मुल्क हमारा है सारा कुछ, ये तो हम है। हमें तो अब समझ आई ये सिर्फ इनका क्या है, ये टोपियाँ, ये बलोच, ये पगड़ियाँ, ये तूरे, ये शमले, ये सारा कुछ मेरा है, मैं अम्मा लगे इसके, ये हमारे बाओजदाद, इसका हमारे पाकिस्तान का इंतकाल हमारे बाओजदाद के नाम पे इंतकाल है। ये तो हमें खा गए चोर, इन्होंने हमें यरगमाल बनाया हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेचा हुआ है। तो मैं इससे ज्यादा ना पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं आपको बताऊँ मेरा कारोबार क्या है, मैं करता क्या हूँ। पाक पतन मेरा जिला में मेरा स्कूल है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मेरा स्कूल है। और मैं ना इससे ज्यादा मुझे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं आया हूँ तो मैं देखा है कि ये सारा कुछ मेरा है। ये ऐसे गोरे चिट्टे काले जैसे देखने वाले लोग मेरे हैं, तो इन्होंने हमें क्या क्या हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही। हमने इन लोगों ने हमें साथ किया क्या हुआ है, क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, हमें बांध बांध के कभी हमें दस्तरगर्दी के इस्तेमाल कर रहे, कभी हमें कह रहे फलाना मुल्क आपसे ये मांग रहे, कभी हमें कह रहे वो कह रहे, कभी कह रहे बरतानिया कह रहे। हम पागल नहीं है, हमें अब क्योंकि हमें कभी किसी ने ये नॉलेज दिया ही नहीं था, हमें समझ नहीं थी। जो खान ने दिया है, खान ने दिया है, उसके लिए मेरी, मेरे बच्चों की, मेरी जान कुर्बान है। अच्छा। मेरा पाकिस्तान के लिए हर चीज, ये मैं देखता हूँ ना, मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया, ये सारा पाकिस्तान, ये लिबास, ये हर चीज, ये टोपियाँ, ये शलवार कमीज, ये हर चीज, ये मेरा मुल्क है यार, मैं मालिक हूँ इसका। और हमें इन लोगों ने रखा हुआ है एक दूसरे से दूर, इन्होंने हमें एक दूसरे से दूर रखा हुआ है, इन्होंने हमें कभी खबर ही नहीं आने दी। ये गोरे लोग भी हमारे, काले भी हमारे, धूप में रहने वाले हमारे, बर्फ में रहने वाले हमारे, पहाड़ों में रहने वाले हमारे, मैदानी इलाकों में रहने वाले सब हमारे लोग हैं। इन्होंने हमें इतना इस्तेमाल किया है, अब तो यही चाहता है या हम इस मुल्क से भाग जाए तो या इसको हम छुड़वा लें, बस यही बेटा। तो अभी अभी मुझे ये आकर बता दें कि अभी एक थर्ड अलर्ट भी जारी किया गया है कि जी को खतरा हो सकता है, फिर भी जान को खतरे में डालकर आए हैं खान के लिए। हमें ये तो ड्रामे करते हैं ना, ये जो मर्जी करे, ये राणा सनाउल्लाह का मुल्क नहीं है। लेकिन उन्हें सनाउल्लाह लगना मेरे से गुनाह हो जाता, क्योंकि सना है कल्ला सना, और ये जो है ना इनके इलाके से हूँ मैं, पंजाब से हूँ, पाक पतन जिला मेरा। मैं ना मैं बाहर मुल्कों में रोटी के ले गया हूँ, अभी भी मैंने बच्चे अपने बाहर ऑस्ट्रेलिया भेजे हुए। अच्छा। हमें समझ नहीं थी, मैं 8 साल बेटा बाहर रहा हूँ, सारा कुछ देख के अब मुझे समझ आई भी। समझ क्या आई आपको? अब हमें समझ आई कि मुल्क हमारा सोना है। अच्छा। इसको लूट दुनिया रही है और हमें ये लोग खा रहे हैं, ये कहीं फौज के बगैर कोई नहीं आ सकता, एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी है बस। हमें सब कुछ इन्होंने, अबे जहाँ पे मैं आता हूँ आज मैं आया हूँ पिंडी, दूसरी बात तो नहीं जाना, एक बंदे का नाम फौज नहीं है। हाँ ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। हाँ जी भाई, अब हमें ना सोचते थे बात, जो महंगी तरीन जमीन है, जो महंगा तरीन कारोबार, सोना यूरिया पंजाब में, फौजी फर्टिलाइजर, सुनो डिफेंस फौजी का आगे से पूछो, जितनी कॉम्पे सीमेंट फैक्ट्री उनकी
तो हम क्या कर रहे हैं, हम घास खा रहे हैं, इधर हमारा मुल्क है, इनके जनरल है। हम मैंने अपने बच्चों को भेजा भी चलो मिलिट्री स्कूल, हमें तो दाखिला ही नहीं मिला। नफरत उनके कमरे लो नहीं फौज सर, फौज नहीं, फौज मेरा क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर अभी याद इलेक्शन यार मैं मेरा बच्चा सही है ना, अगर मेरा बच्चा सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती नहीं हो, अगर इलेक्शन की डेट नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप? हम आए इधर जितना वक्त वो कहेगा ना हमें ऑर्डर मिलेगा खान के लिए। जान हाजिर है, जान हाजिर है। जी सर जी, सर जी देखिए जान को खतरे में डालकर आए हैं, मकसद क्या है? देखें बात ये कि ये तमाम ये सबसे पहले तो ये सोचने की बात है कि एक वाहिद लीडर हमें सदियों में मिला है इमरान खान जैसा, जिन्होंने जो है पूरी कौम को यूनाइटेड किया है। इस वक्त आपको हर सूबे से बंदे मिलेंगे और वो सब इमरान खान के लिए जान निशावर करने के लिए तैयार हैं। आप जो ये कह रहे थे कि थेट्स मिल रहे हैं, अभी मुझे इससे ज़्यादा क्या थेट्स हो सकते हैं जो सीधी गोलियाँ मारी हैं। ये सब लोग मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं, हकीकी आज़ादी के लिए ये सब आए हैं जो कि हम आज़ाद नहीं थे। ये जो तीन दिहाइयों से पार्टियां मिलके बंदरबांट कर रही थी वो सारे का सारा खेल जो है वाजे हो गया जब सब इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। हमें चूतिया बना रहे थे अवाम को कि हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, आज वो सारे इकट्ठे एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। कहाँ गए, एक दूसरे को रोडों पर घसीट देते थे, पेट फाड़ते थे, अब किधर हैं? ये सब मफाद परस्त हैं। सर जी अगर खान साहब इस्लामाबाद जाने का ऐलान करते हैं तो राणा सनाउल्लाह तो नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी क्या तैयारी? असल में राणा सनाउल्लाह बेचारा क्या करेगा, वो आखिरी हिचकियां दे रहा है, गवर्नमेंट ये आखिरी जो है हिचकियों पे चल रही है। इंशाल्लाह ताला फतह जो इंसाफ की होगी, हक की होगी। खान साहब ने काल देनी है, ये लाखों लोग जो है ये कौन रोक सकता है? पूरा पाकिस्तान सड़कों पर है,